यूज नहीं करना। अगर कंप्यूटर लैपटॉप इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट है तो हमारे पास है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। ये अगर सर ने सही कहा है, अगर इलेक्ट्रॉनिक चीज पे यूज करता है तो थोड़ा डैमेज करता है, पार्ट को खराब कर देता है, क्योंकि छोटा छोटा जो माइक्रो पार्टिकल है इसको खराब कर देता है। इसलिए ये CO2 कार्बन डाइऑक्साइड वाला ये बहुत इफेक्ट है। सेम प्रोसीजर है, पिन को निकालना है और जो मेटलिक पार्ट है ये रबर पार्ट है, यहाँ पे उसे ही थोड़ा हाथ लगाना है और यूज करना है। क्यों? क्योंकि कुछ ज्यादा ही ठंडा हो जाता है, आप देख रहे हैं यहाँ पे बर्फ जमा हो गई, बर्फ की एक लहर जमा हो गई है। नॉर्मल थोड़ा सा हाथ लगाए तो क्योंकि कंप्रेस्ड कार्बन डाइऑक्साइड अंदर है, इसलिए जब बाहर निकलेगी ठंडा करके निकलेगी, एयर में कन्वर्ट होगी, तभी वहाँ यहाँ पे लाइटली बर्फ जमा हो जाता है। तो होता क्या है, जब लोग हम फायर फाइटिंग करते हैं, आग बुझाते, तब तक यहाँ पे आप ग्रिप से पकड़ लेते हैं और आग बुझाते हैं, ग्रिप से पकड़ते हैं आग बुझाते हैं। उस टाइम हमारा ध्यान नहीं रहता कि यहाँ पे हमने कितने ग्रिप से पकड़ा है, बाद में जब छोड़ेंगे तभी मालूम पड़ जाए, थोड़ा सा कोण बंद होता है। जैसे कि हम लोग हाथ में बर्फ रखते तो ज़्यादा देर नहीं रख सकते बर्फ, फिर नीचे डाल देते, सेम वैसे ही यहाँ पे कोण बंद होने के चांसेस रहते। यहाँ पे रबर पार्ट है इसका, ये एल्बो में, एल्बो में रबर पार्ट है, यहाँ पे आप पकड़ के फायर फाइटिंग कर सकते। यस हाँ, थोड़ा थोड़ा राइट। लेकिन आग लगती है तो आग से ज़्यादा डैमेज होगा, करंट होगा या कोई भी चीज़, आग ज़्यादा डैमेज कर देगी। इसके लिए बुझाना पहला ज़रूरी है, तो बुझाने के लिए आपको ये यूज़ करना है।